के लिए, खबर सरोकार के लिए, खबर खुशी के लिए, दिखाएंगे हम सच सच की खबर। देखते रहिए रोहतास का नंबर वन चैनल बिहार। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सिंह, बिहार ऑन न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। डिहरी रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर पुलिस चौकी हुई स्थापित, रोहतास एसपी आशीष भारती ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को रोहतास एसपी आशीष भारती ने डेहरी रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट पर एक पुलिस चौकी की स्थापना की है, जिसका विधिवत उद्घाटन रोहतास एसपी आशीष भारती ने किया। रोहतास एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि आए दिन सूचना मिल रही थी कि डेहरी रेलवे स्टेशन के आसपास यात्रियों से लूट और छिनैती की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, खासकर महिलाओं को इसका ज्यादा शिकार बनाया जा रहा था। इसको लेकर आज पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। पुलिस चौकी के यहाँ स्थापित होने से आपराधिक गतिविधियों सहित यातायात साधारण पर भी नजर रखी जाएगी। डेहरी संवाददाता पुष्पा गुप्ता का रिपोर्ट। जा रही थी कि डेहरी स्टेशन के पास पुलिस बल की प्रेजेंस की आवश्यकता है, और खास करके रात्रि में और शाम के वक्त जब यहाँ पे ट्रेनें आती हैं, तो उसके बाद यातायात संधारण या जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस बल की आवश्यकता को महसूस की जा रही थी, इसको देखते हुए डेहरी स्टेशन के पास इस चौकी को प्रारंभ किया गया है। और प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे जो आमजनों की सुरक्षा, खास करके महिला सुरक्षा को देखते हुए हम लोग बेहतर से बेहतर सुरक्षा मुहैया करा सके, और साथ ही साथ यातायात संधारण का भी कार्य इनको दिया जाए। भभुआ मोड़ विस्फोट कांड का नामजद अभियुक्त हाईकोर्ट नक्सली समझ रावण चेरो को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डेहरी पुलिस कार्यालय स्थित एसपी कार्यालय में रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2002 में डबुआ मोड़ विस्फोट कांड का नामजद अभियुक्त समझ रावण चेरो को यदुनाथपुर से रोहतास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास व्यक्ति हाईकोर नक्सली है। इस पर डबुआ मोड़ विस्फोट कांड सहित बिहार और उत्तर प्रदेश में कई मामले दर्ज हैं। आपको बताते चले कि 2002 में
डबुआ मोड़ विस्फोट कांड में 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उक्त मामले में गिरफ्तार समझरावन चेरो नामजद अभियुक्त था, जिसमें अभी तक वह फरार चल रहा था, जिसे आज गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार नक्सली पर रोहतास जिले के कई थानों में कई कांड दर्ज है। इसकी गिरफ्तारी से रोहतास पुलिस सहित आमजन में शांति का माहौल कायम है। क्या है रोहतास जिले अभी पंचायत चुनाव को देखते हुए तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार जो अपराधी हैं और जो नक्सली हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नौहट्टा थाना अंतर्गत वर्ष 2003 में नक्सलियों के द्वारा बारूदी सुरंग लगा करके पुलिस वाहन को विस्फोट करके और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी कर 11 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। और इस संबंध में नौहट्टा थाना कांड संख्या 3603 दर्ज किया गया था और उसमें जो एक नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम है संझावन चेरो वो फरार चल रहे थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीम छापेमारी कर रही थी और इसी संबंध में फिर यह जानकारी मिली कि संझावन चेरो यदुनाथपुर ओपी क्षेत्र में छिपा हुआ था और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ डेहरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिनके द्वारा जब छापेमारी की गई तो यदुनाथपुर थाना क्षेत्र से संझावन चेरो को गिरफ्तार किया गया है। और इसके यह एक बहुत ही दुर्दांत नक्सली रहा है और इसके भी कई सारे मामले दर्ज हैं और ना सिर्फ रोहतास में बल्कि बिहार के बाहर यूपी में भी इसके मामले दर्ज हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 7 मामलों की जानकारी हम लोग को मिली है, जिसमें चुटिया थाना कांड संख्या 11/03, नौहट्टा थाना कांड संख्या 36/03, चुटिया थाना कांड संख्या 11/09, चुटिया थाना कांड संख्या 7/10 और चुटिया थाना कांड संख्या 10/11 और इंदुपुरी थाना कांड संख्या 573/9 और रॉबर्ट्सगंज जो कि यूपी में है वहाँ की कांड संख्या 186/12 अभी तक पता चला है। इस मामले में जो इनकी गिरफ्तारी हुई है इससे निस्संदेह इस क्षेत्र में जो नक्सलियों का मनोबल गिरेगा और पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। इसीलिए इस जो गिरफ्तारी टीम में शामिल जो भी पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। उप सभी कांडों में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी रोहतास पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। डिहरी से हिमांशु कुमार का रिपोर्ट। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व दो लूट की घटनाएं घटित हुई थी, जिसमें बोलेरो पिकअप और को लूटा गया था और इसी क्रम में दरेगांव ओपी अंतर्गत 25/8/21 को टमाटर लदे एक महिंद्रा बोलेरो को अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा लूट लिया गया था। इस संबंध में कांड दर्ज करके अभी तक कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसी कुछ सूचना मिली कि जो इस घटना में शामिल अपराधकर्मी हैं वो सीता बिघा मोड़ के पास छिपे हुए हैं। तो इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और जिनके द्वारा इस लूट कांड में शामिल एक अपराधी होगा उन आयुष कुमार जो कि करवंदिया के रहने वाला है उसको एक देसी इंस्पेक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और साथ ही जो सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 286/21 जो कि लेरुआ पुल के पास एक महिला के साथ चेन छीनने की घटना घटित हुई थी उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इनके निशानदेही पे ही जो संझौली थाना क्षेत्र से सासाराम नगर में भी एक लूटकांड हुआ था जिसका कांड संख्या 631/30 उसमें जो बोलेरो पिकअप लूटा गया था उसको संझौली से बरामद किया गया है और साथ ही साथ जो दरिगांव ओपी क्षेत्र में जो लूटा गया बोलेरो था उसको भी बरामद किया गया था। और इस मामले में जब उसकी जो दरिगांव ओपी क्षेत्र का जो
पिकअप बरामद किया गया था, तो उस समय एक अभियुक्त जयप्रकाश पटेल और सोनू पटेल उसको भी गिरफ्तार करके भेजा गया है। इस मामले में कुछ अन्य अपराधी अभी फरार चल रहे हैं, दो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई लेकिन अन्य फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो आयुष कुमार उपोगा है उनके विरुद्ध भी अभी तक के सूचना अनुसार 5 मामले दर्ज हैं और सभी काफ़ी गंभीर मामले हैं, जिसमें धनीगांव थाना क्षेत्र का 656/21, सासाराम नगर थाना क्षेत्र का 631/21, सासाराम उपस्थित थाना क्षेत्र का 286/21 और सासाराम उपस्थित थाना क्षेत्र का 325/21 और दिनारा थाना क्षेत्र का 221/17। तो इस प्रकार से एक लूटपाट के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसके दो अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही इस प्रकार की जो घटनाओं में शामिल अन्य लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी।